खुशवंत सिंह लिट फेस्ट में हुआ अनुच्छेद 370 पर मंथन, आयोजक और वक्ताओं के खिलाफ कसौली थाने में दी शिकायत। हिमाचल प्रदेश के कसौली में 11 से 13 अक्टूबर तक आयोजित खुशवंत सिंह लिट फेस्ट पर विवाद बढ़ता जा रहा है। बजरंग दल ने आयोजन के दौरान देश विरोधी बयान देने पर आयोजक और कुछ वक्ताओं के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की है। हालांकि अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है और गौरतलब है कि खुशवंत सिंह के बेटे राहुल सिंह ने इस फेस्ट का आयोजन कराया था और शिकायत में बजरंग दल ने कहा है कि आयोजक और लिट फेस्ट में वक्ताओं ने देश और केंद्र सरकार के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और लिट फेस्ट में साहित्यकार तवलीन सिंह ने अनुच्छेद 370 को हटाने पर सवाल उठाए थे और कहा था कि केंद्र सरकार इसे पुनः बहाल करे। लेखक राधा कुमार ने कहा था कि कश्मीर के लोग आजादी चाहते हैं। कसौली थाने के SHO लायक राम ने शिकायत करने की पुष्टि की है और उन्होंने बताया है कि मामले की जांच की जाएगी। फिलहाल FIR दर्ज नहीं की गई है। शिकायतकर्ता बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक पवन समेला, देवेंद्र चंडेल जिला सह सुरक्षा प्रमुख बजरंग दल और सुरेंद्र कुमार जिला अखाड़ा प्रमुख और बजरंग दल ने सख्त कार्रवाई की भी इस पर मांग उठाई है।